कहने तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन ये किसी से भी छिपा नहीं कि मौजूदा वक्त में शराब की होम डिलीवरी तक हो रही है। और इन सब के बीच गांव देहात में जहरीली शराब बनाई जा रही है, जिसे पीने से लोगों की जान जा रही है। पुलिस की कार्यशैली क्या है, इस पर बात करें। उससे पहले ये बता दें कि दो जिले गोपालगंज और बेतिया में शराब पीने के बाद अब तक 22 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। गोपालगंज के जिलाधिकारी ने जिले में 10 से 9 लोगों को जहरीली शराब से मौत की पुष्टि की है, लेकिन अब तक बेतिया में इसकी पुष्टि नहीं हुई। हालांकि मृतकों के परिजनों का कहना है कि सभी 12 लोगों की मौत जहरीली शराब के सेवन से हुई है। बता दें कि नौतन थाना क्षेत्र के दक्षिणी तेलहुआ गांव में कुछ लोगों ने शराब पी थी, जिसके बाद एक एक करके पहले 9 लोगों की जान गई और अब अस्पताल में भर्ती 3 और लोगों ने दम तोड़ दिया है, जिसके बाद मौत का आंकड़ा बढ़कर जिले में अब 12 हो गया है। अभी भी GMCH में कई बीमार लोग भर्ती हैं, जिनके हालत गंभीर बताई जा रही है। बेतिया के DM कुंदन कुमार ने अब तक जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा कि सभी 12 लोगों की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हुई है, जिसकी जांच अभी भी जारी है। तो शराब के चक्कर में वो ये हो गया। अब मुझे बुलाया गया तो मैं जगदीशपुर गया ताज हॉस्पिटल में, फिर वहाँ से यहाँ लाया गया सरकारी में। 4 बजे सुबह हुआ तो स्प्रिट पीला पूरा बोलो ना। हाँ स्प्रिट पीला समझ लो। कब खत्म बोलो? हाँ रात में रात विचार का बिंदु नहीं है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अपने विभाग की ओर से, पुलिस विभाग की ओर से और हम लोग ऑपरेशंस चला के और कार्रवाइयाँ करेंगे, लेकिन बीच बीच में गलत लोगों का द्वारा कानून का उल्लंघन किया जाता रहा है। हो सकता भविष्य में भी करें, लेकिन इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं उनके लिए, और ख़ास करके वैसे लोग जो अवैध शराब का सेवन अगर करते हैं, तो ये भी जो घटना दोनों घटनाएं हैं उनके लिए एक सबक होनी चाहिए कि इस तरह की अवैध शराब का सेवन ना करें। हम लोगों ने बार बार इस मामले को आम पब्लिक में, पब्लिक डोमेन में भी लाया है, सभी को सचेत भी किया है, और हम लोगों ने विभिन्न माध्यमों से उसको चाहा कि जागरूकता बढ़े, लेकिन हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और फिलहाल निश्चित रूप से जो प्रोहिबिशन एक्ट है वो लागू रहेगा। सर आप जो मौत के आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन जो आते छिपा रहे हैं, नहीं ये कहना बिल्कुल मेरे ख्याल से निराधार है। हमने कहा जो कन्फर्म डेथ है, हम लोग जब कन्फर्मेशन कर लेते हैं, डेड बॉडीज मिल जाती हैं, पोस्टमार्टम के लिए चला जाता है, बयान ले लेते हैं, तो उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ और बिल्कुल मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि हम लोग कुछ नहीं छुपा रहे हैं, छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सच्चाई है सबके सामने है, और जो भी सच्चाई है उसको हम फेस करेंगे, और जो भी कार्रवाई है वो भी हम करेंगे। अभी तक सभी लोग की मौत हुई? अभी तक जो हमें वहाँ के स्थानीय प्रशासन से, गोपालगंज और बेतिया से खबर मिली है, 11 गोपालगंज में कंफर्म डेथ हैं और 10 कंफर्म डेथ हैं बेतिया में, लेकिन हो सकता है बेतिया का एक दो और आंकड़ा बढ़े। सर ये कंफर्म कर रहे हैं आपकी ये शराब से मौत हुई है? ये मैंने कहा संभावित, लेकिन ज़्यादा संभावना है, संभावित है, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुए हैं। दूसरा जो विसरा प्रिजर्व किया जाता है जांच के लिए, वो अभी उसका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम जैसे रिपोर्ट प्राप्त होगा हम आपको कन्फर्म। सर इस साल कितनी मौतें हुई हैं, इस तरह की कुछ संभावित है सर? जो अब तक लिए हमारे पास आंकड़े हैं, करीब इस साल के अभी तक नवंबर तक मेरे ख्याल से 40-42 का फिगर होना चाहिए, ये उससे कुछ ऊपर होना चाहिए, लेकिन
आपको पुनः हम दे दें, लेकिन 40 निश्चित रूप से। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर कि लोकल पुलिस को लोकल इंटेलिजेंस बढ़ाने की जरूरत है कि सूचना मिले, या स्थानीय थानों की क्या विफलता होती है, निष्क्रियता होती है, क्या इस पर भी आप गौर करें? देखिए, जहाँ तक आज सूचना का प्रश्न है, जितनी बरामदगियाँ हुई हैं, आपको बता दूँ कि अगर हम जब से प्रोहिबिशन एक्ट हुआ तो अब तक के लिए हम लोगों ने 166 लाख से भी अधिक, 187 लाख से भी अधिक लिकर सीज किया है कुल मिलाकर के, और गिरफ्तारियां भी जो हैं हम लोगों की करीब 39,000 से ऊपर हुई, करीब 3 लाख से ऊपर हुई गिरफ्तारियां, और जो हमारे सीज्ड व्हीकल हैं वो भी करीब 60,000 हुए हैं। तो इस तरह से कार्रवाई में कमी नहीं है। दूसरे राज्यों में, खास करके झारखंड राज्य में, यूपी में, हिमाचल में करीब 6,000 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो कार्रवाइयां हम लोगों ने की हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने प्रशासन, स्थानीय प्रशासन पर भी पैनी नज़र रखी है, और अपने विभागों पर भी पैनी नज़र रखी है। इसी कारण से वैसे पुलिसकर्मी जो जिन्होंने लापरवाही की है या संलिप्तता पाई गई है, उसमें 200 से अधिक लोगों को 700 से ज़्यादा, जैसा कि हमारे पदाधिकारी बता रहे हैं, स्टैंड करेक्टेड, 700 से ज़्यादा बर्खास्तियाँ हुई हैं, एक्साइज विभाग से भी बर्खास्तियाँ हुई हैं। तो हम लोग तो अपने विभाग के पदाधिकारियों पर, कर्मचारियों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बर्खास्तियाँ किसी और विभाग में हुई होंगी, तो सख्ती तो हम लोग अपने पदाधिकारियों पर भी और कर्मचारियों पर भी बरत रहे हैं। और साथ ही साथ जहाँ तक अवैध लीकर का सवाल है, उसका सीज़र, आप जो आंकड़े हमने बताए आपको, या व्हीकल्स जो सीज किए, दूसरे राज्यों से गिरफ्तारियाँ हुई, तो एक ये ऑन, मैंने शुरू में ही कहा कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, और हम लोग बिल्कुल मुस्तैदी के साथ और कार्रवाइयाँ करें। लेकिन सवाल ये है सर, पहले मुजफ्फरपुर, फिर गोपालगंज, मैंने ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप ये भी समझ लें कि बहुत सारी भौगोलिक स्थिति जो है, जितने बॉर्डर्स हमारे खुले हुए हैं, तो उसमें एक एक बॉर्डर पर अगर आप जाएं, कैमूर के बॉर्डर पर हजारों गाड़ियां एक साथ निकलती हैं, एक दिन में कई हजार ट्रक निकलते हैं, उसी तरह गोपालगंज में, उसी तरह नवादा में। तो हम लोग जो आज सूचना की बात कही गई, हम लोग कोशिश करते हैं कि आज सूचना के आधार पर, और जो भी स्थानीय जो लोग गिरफ्तार होते हैं उनके सकारात्मक बयान पर, जो खबरें मिलती हैं उस पर हम लोग कार्रवाइयाँ करते हैं। ठीक है सर, छोटा सा ब्रेक लेके।